तो देखो, इसमें बात करने वाले एक नई मूवी के बारे में जो फाइनली यार रिलीज हो गई है तमिल सिनेमा के तरफ से, जिसका नाम होने वाला है नाने वरुमेन। और इसी का करेंगे रिव्यू, देखेंगे क्या देखने को मिला इसमें, क्या अच्छा था क्या बुरा था, इन सब बातों को बताएंगे डिटेल में आपको, पर हाँ इस इंटरव्यू के बाद। तो अगर पहले आपको इसके स्टारकास्ट के बारे में बता दें तो उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे धनुष, अली अब्राहम और सेल्व राघवन, और इनसे लग भी कुछ और भी अच्छे एक्टर देखने को मिलने वाले हैं तमिल सिनेमा की तरफ से। फिर बात निकल के आती पूरी कहानी क्या है, पूरी स्टोरी क्या है इसकी। तो स्टोरी यार फोकस करती है प्रतीक प्रभु नाम के कैरेक्टर के ऊपर, जो अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ बहुत अच्छे से रह रहा है, पर चीजें तब बिगड़ जाती है उसकी लाइफ में जब उसकी जो बेटी है वो कुछ अजीब हरकतें करने लगती है। अब वो ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, इन सब बातों को जानने के लिए आपको देखना होगा मूवी को। अब अगर आपको पूरी तरीके से स्टोरी को जानना है, देखना है, तो आपको जाना होगा मूवी को देखने। पर हाँ, अगर आप ये बात सुन के देखने प्लान कर रहे हो, जाने के बारे में सोच रहे हो, तो 2 मिनट पहले वीडियो में रुक जाओ, पहले सुनो स्टोरी कैसे लगने वाली है, स्क्रीन प्ले कैसा है, बैकग्राउंड स्कोर कैसा है, एक्टिंग कैसे देखने मिलने वाली है, प्लस पूरी मूवी कैसी है। तो अगर पहले बात कर ली इसके कहानी से ही, तो हाँ यार मुझे कहानी अच्छी लगी अगर एक शब्द में बोलना हो तो, और मजा आया देखिए। खास तौर पे यहाँ पे जिस तरीके से सभी कैरेक्टर्स को लिखा गया था वो आपको पसंद आएगा, और बहुत ही कम टाइम में उनको यार सेटल कर दिया गया और आपसे कनेक्ट करवा दिया गया है, जो इस मूवी के लिए प्लस पॉइंट साबित होता है। लगभग आप ज्यादातर कैरेक्टर से कनेक्ट कर जाते हो, और बहुत ज्यादा कैरेक्टर भी नहीं थे, मतलब कुछ कैरेक्टर थे और उनको अच्छा स्पेस देके अच्छे से आपके साथ कनेक्ट किया गया है, उनकी स्टोरी से आप कनेक्ट होते हो और उनसे भी इमोशनल कनेक्ट होते हो। उसके बाद जिस तरीके से स्टोरी को यहाँ पर रखा जाता है उसमें कुछ नयापन देखने को मिलेगा, और ये एक बड़ा प्लस पॉइंट साबित होता है पूरे मूवी के लिए। वहीं अगर बात करें स्क्रीन प्ले के बारे में, तो मूवी का यार फर्स्ट हाफ मेरे को अच्छा लगा, कुछ नया देखने को मिल रहा था। वहीं जो पूरा सेकंड हाफ है उसमें स्टोरी यार ब्रेक ले लेके चलती है, कहीं पे तो मजा आएगा, कहीं पे थोड़ा सा बोर भी होंगे। सेकंड हाफ में थोड़ा सा लेंथी फील होने वाला है एक दो जगह, जहाँ पे थोड़ा सा लगेगा कि हाँ सीन कट गए होते तब भी चलता, बट इतना भी कुछ बुरा नहीं है। हाँ सेकंड हाफ भी मजा देता है, पर थोड़ा सा बोर भी करेगा, ये भी मान के जाना। मतलब फर्स्ट हाफ जिस तरीके से यार स्टोरी को सेट करता है, सेकंड हाफ उसको यार खत्म करता है अच्छी तरीके से, और दोनों इसके प्लस पॉइंट में जाते हैं। वहीं स्क्रीन प्ले में जिस तरीके से सस्पेंस और ट्विस्ट को रखा गया है, जिस तरीके से काफी जगह स्टोरी टर्न करती है, वो भी आपको अच्छा लगेगा। खास तौर पर जिस तरीके से धनुष वाले कैरेक्टर को लिखा गया था, दोनों ही कैरेक्टर को, वो मतलब तबाही है उसमें भी यार। खास तौर पर कासिर वाले जो कैरेक्टर को लिखा गया था वो बवाल था, उनकी जो वहां पे पूरी कैरेक्टर राइटिंग है, उनकी परफॉर्मेंस है, मतलब A1 क्लास की है, और उसी वजह से उस कैरेक्टर को आप ज्यादा पसंद करने वाले हो, और उसको देख के स्क्रीन पे मजा आता है। पूरे कैरेक्टर की जो स्क्रीन प्रेजेंस थी उसमें धनुष सर की, मतलब A1 क्लास की थी। उसके बाद पूरा प्रोडक्शन वैल्यू मुझे वो ठीक ठाक लगा है, काफी जगह यार प्रोडक्शन वैल्यू में कुछ गलतियां देखने को मिलेंगी, कुछ सीन यार और अच्छे हो सकते थे पर उन पे ज्यादा काम नहीं किया गया, जो एक मूवी के लिए माइनस पॉइंट है, और उस पे काम करना चाहिए था अच्छे तरीके से। बाकी उसके बाद यार मूवी का म्यूजिक मतलब नेक्स्ट लेवल, मजा आएगा सुन के, और जिन्होंने दिया है मेरी कसम से उनकी तारीफ बनती है। हर कैरेक्टर पे वो म्यूजिक यार अच्छे तरीके से सूट करता है। खासतौर पे एक इंट्रोडक्शन सीन है इसमें, वहाँ पे जो पूरा बीजीएम है वो आपको पसंद आएगा और मजा आएगा उसको सुन के। और पूरे मूवी का बीजीएम यार अच्छा था, क्लाइमेक्स वाला भी यार अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, कुछ नया सुनने को मिलेगा वहाँ पे। अगर बात कर ले एक्टिंग के बारे में, तो हाँ धनुष सर का काम यार पहले से बहुत ज्यादा अच्छा है, और वो एक ऐसे एक्टर है ना जिनको यार कितने भी कैरेक्टर दे दो वो उसको हर तरीके हर बार हर तरीके से कुछ नया प्ले कर देंगे। और यहाँ भी जाके देखो दोनों कैरेक्टर को अच्छे तरीके से प्ले करते हैं, दोनों में यार कुछ नयापन देखने को मिलेगा आपको, और मतलब बवाल टाइप। हर जगह उनकी पूरी परफॉर्मेंस जो थी A1 क्लास की थी। वही इनसे अलग जो एक्ट्रेस थी उनका काम मुझे ओके लगा, बाकी और जो इनसे अलग एक्टर और एक्ट्रेस थे लगभग सभी का मेरे को अच्छा लगा, पसंद आया। लगभग एक्टिंग सभी की अच्छी है, एक्टिंग कहीं भी खराब देखने को नहीं मिलने वाली है। तो ओवरऑल अगर बात कर ले पूरे मूवी के बारे में, तो मूवी यार अच्छी है, पसंद आने लायक है, और गारंटी से पसंद आएगी भी, जाके देखो ये धमाका करने वाली है तमिल बॉक्स ऑफिस पे मेरे हिसाब से। मूवी में चाहे कैरेक्टर राइटिंग हो, स्टोरी हो, हर जगह कुछ नया प्रेजेंट करती है अपने आप में, और एक तरीके से अच्छी मूवी बन के निकलती है जो आपको सेटिस्फाई करेगी। कम टाइम में कुछ नया दिखाती है, कुछ बवाल टाइप दिखाती है, और उसके बाद यार स्टोरी को 4 चांद लगा देती है धनुष सर की परफॉर्मेंस, मतलब बवाल टाइप। तो यार एक बार जाओ देखो, मजा आएगा देख के, और अगर आपके आसपास में लगी है तो।